नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैंने अपना ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, आमतौर पे लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं भाई इस नंबर पर कि क्या मुझे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के मुझे अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, कुछ दिन रुक जाऊं। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों और भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे को कि भाई स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हमको क्यों बंद करनी चाहिए, या मैंने थोड़ी बहुत चीटिंग कर ली यार हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद, तो क्या मेरे रिजल्ट पे उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या कुछ लोग मैं बोलते हैं कि मैं स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाए, क्यों डॉक्टर्स आपको मना करते हैं स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने से। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के एक हफ्ते पहले आमतौर पर लोग डॉक्टर्स जो है मना कर देते हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपको नहीं करना है, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद मिनिमम 2 हफ्तों तक आपको ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करने से आपको मना किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप जरा चेक कर लीजिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, जब हम स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग में जो है निकोटीन, स्मोक करते हुए जो है इस सिगरेट या बीड़ी में निकोटीन मौजूद होता है, और जिससे कि जो है कार्बन मोनोक्साइड, जी हाँ कार्बन मोनोक्साइड उत्पन्न होता है। और कार्बन मोनोक्साइड क्या करता है, हमारे खून में जो ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता होती है उसको जो है कम कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे स्कैल्प में जो है ना सर्जरी हो रही होती है, एक घाव बन रहा होता है, उस तक सही मात्रा में जो है खून पहुंच नहीं पाता है या ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है घाव भरने में हेल्प नहीं मिलता है, और पूरा प्रोसेस आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का इससे लंबा हो जाता है। मींस अगर हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है तो उसमें जो है डस्ट पार्टिकल्स या फिर इन्फेक्शन आपके घाव में होने के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं। कई सारे स्टडीज में तो दोस्तों ये भी पाया गया है कि जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं वो उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है अनसक्सेसफुल रह जाता है, क्योंकि निकोटीन जो है हेयर ग्रोथ को जो है अच्छी तरीके से होने नहीं देता है। पुअर हेयर ग्रोथ का कारण निकोटीन हो जाता है, और उसके कारण जो है आपके ब्लड फ्लो जो है स्कैल्प तक सही तरीके से नहीं हो पाता, जो कि एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट या उसके हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट इस पर भी डिपेंड करता है कि वो चेन स्मोकर है या मॉडरेट स्मोकर, मींस पूरी तरीके से एडिक्टेड स्मोकर है या फिर कभी कभी पीने वाला स्मोकर है। अगर वो चेन स्मोकर है तो उसका जो है सर्कुलेटरी जो सिस्टम है बहुत बड़े बड़े चेंजेस से गुजरता है, उसका बॉडी जो है इतनी जल्दी ढलता नहीं है, उसका मन बार बार करेगा स्मोक करने का बार बार, और वो बीच बीच में चीटिंग भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ इससे उसके जो है घाव भरने की जो क्षमता है वो उस कम होती जाती है, और उसका सर्वाइवल रेट जो है ग्राफ्ट का वो भी कम हो जाता है। अगर दोस्तों कोई चेन स्मोकर नहीं है, सिर्फ कभी कभी पीने वाला बंदा है जो कि मॉडरेट स्मोकर या एवरेज स्मोकर माना जाता है, वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक या दो बार थोड़ी बहुत चीटिंग करके एक दो सिगरेट पी भी ले तो भी उसके हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई मॉडरेट स्मोकर नहीं है, चेन स्मोकर है और बहुत ज्यादा स्मोक करता है, तो ऑलरेडी उसका जो बॉडी का सिस्टम है बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा होता है, बेचैनी वगैरह एंड बहुत सारे चेंजेस से, और अगर वो उसके बावजूद भी स्मोक करता है तो उसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो सकता है। दोस्तों आगे आते हैं कि हम अल्कोहल के ऊपर, दारू शराब बियर वाइन, इन सब के अंदर दोस्तों इथेनॉल मौजूद होता है जो कि हमारे खून को पतला कर देता है। पतला करने के कारण हमारे बॉडी के जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है सर्जरी के दौरान, जिससे कि बॉडी का क्लॉटिंग टाइम पे और ब्लीडिंग टाइम में जो है फर्क पड़ता है। आपको जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले एक ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम का भी जो टेस्ट किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि आपका जो है कितना टाइम लेता है बॉडी ब्लीडिंग करने में और उसको क्लॉट उसको सूखने में। आप दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा, आपके ग्राफ्ट मान के चलिए आपके 3000 ग्राफ्ट जो है एक्सट्रैक्ट करके आरएल सॉल्यूशन में आपके बाहर रखे हुए हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि अगर ग्राफ्ट बाहर रखे हुए हैं आपके बॉडी से बाहर निकाल के रखे हुए हैं आरएल सॉल्यूशन के अंदर, तो वो 6 से 8 घंटे एवरेज, इससे भी ज्यादा उसको सर्वाइव किया जा सकता है, लेकिन मैं एवरेज बताऊं अगर आपको 6 से 8 घंटे के आसपास वो सर्वाइव करेगा। तो अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें जो स्लिट बनाया जा रहा है, आप इस वीडियो को देखिए, ये जो स्लिट बनाए जा रहे हैं इस स्लिट में अगर आपका ब्लड का क्लॉटिंग टाइम बढ़ रहा है, मींस आपका स्लिट बनाया जा रहा है और ये ब्लड निकल रहा है, इसको डॉक्टर पोंछे जा रहा है और बाकी दूसरे स्लिट बनाए नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है तो आपके बॉडी को नुकसान हो सकता है, आपका बॉडी कमजोर हो सकता है, तो एक पॉइंट के बाद आपका ब्लीडिंग रुकना चाहिए। इसीलिए ब्लड का क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम जो है डॉक्टर लोग जो है इसका टेस्ट करवाते हैं। तो अगर आप स्मोकर हैं या बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और आपका खून पतला हो गया है जिससे आपका ब्लड का क्लॉटिंग टाइम जो है बढ़ गया है, तो आपका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा, जिससे कि डॉक्टर जो है स्लिट ज्यादा बना नहीं पाएगा और इम्प्लांटेशन भी ज्यादा कर नहीं पाएगा। एक बहुत बड़े टाइम में एक छोटा सा एरिया ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन का
आपका जो है इम्प्लांट किया जाएगा, जिससे आपके बाकी ग्राफ्ट जो है खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्मोकर हैं या बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो आपको यह याद रखना पड़ेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के 2 हफ्ते पहले से जो है आप स्मोक और ड्रिंक करना बंद कर दीजिए, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी 2 हफ्ते तक स्मोक एंड ड्रिंक बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि आपका बॉडी एक सही पोजीशन पे हो एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए और एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ग्रोथ के लिए। बीच में अगर आप ये सोचते हैं एक दो चीटिंग कर लेंगे, तो मेरा ओपिनियन है ऐसा ना कीजिए। अगर आपको अपने बालों से प्यार है, एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट अगर आप चाहते हैं, तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इससे आपके ब्लड का ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम में फर्क पड़ता है, और घाव भरने में भी ये डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वो देखिए वो जो लाइक का बटन है, उस लाइक के बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो क्यों नहीं आप ये शेयर का ऑप्शन यूज करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, सबको ये शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और हेल्प मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।